बिहार के कैमूर जिले में बेहद ही दर्दनाक घटना हुई। यहां एक महिला ने पड़ोसी के 5 वर्षीय बच्चे की गला काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद फरार होने की कोशिश कर रही आरोपी महिला को गांव वालों ने दबोच लिया। उस पर केरोसिन डालकर जिंदा जलाने की तैयारी थी। सूचना के बाद गांव में पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के नावाडी की है। बताया गया है कि 5 वर्षीय दीपू विगत शाम अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसी समय वहां पड़ोस में रहने वाली महिला सीता पहुंच गई। सीता बच्चे को बहुत ही फुसलाकर अपने घर के अंदर लेकर चली गई, जहां बच्चे के हाथ पैर बांध कर धारदार हथियार से उसकी गर्दन काट दी। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। तभी आरोपी महिला सीता का पति उपेंद्र राय घर पहुंचा। घर के अंदर का नजारा देख उसके होश उड़ गए। पति को देखकर सीता वहां से भागने लगी। उपेंद्र राय ने अपने पिता को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद ये घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वालों ने आरोपी महिला को दबोच लिया, उसके साथ मारपीट करते हुए पूरे शरीर पर केरोसिन डाल दिया। उधर सूचना के बाद गांव में पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया। चैनपुर थाने के ASI ने बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि महिला ने सड़क से हत्या क्यों की। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।